पलामू में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ताजा मामला नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड का है, जहां 10 सालों में भी स्कूल का भवन नहीं बन पाया। इतना ही नहीं, अब अधूरे भवन को ही स्कूल को हैंडओवर कर दिया गया है। रिपोर्ट देखें। भवन निर्माण में अनियमितता, अधूरे भवन को किया गया हैंडओवर। पलामू के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के कुराइन पत्रा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के भवन निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा है। 2013-14 में भवन निर्माण की राशि निकाल ली गई, लेकिन अब तक भवन अधूरा है। इतना ही नहीं, अब अधूरे भवन को ही हैंडओवर कर दिया गया। यहाँ पे परेशानी है कि रेलिंग नहीं है और हैंडओवर अपने आप मिल गया सर को, मुखिया जी को, और हमको पता चला किचन नहीं है और बच्चे लोगों को बहुत तरह का समस्या है। स्कूल में कुछ मतलब मरम्मत नहीं है, रेलिंग नहीं है, बच्चा कभी भी गिर सकता है, यही सब समस्या लेके आए थे। देखें 13-14 में पैसा निकल गया है, अभी तक बना नहीं है, किचन सेट भी है, स्कूल अधूरा है। हैंडओवर मुखिया के पति आए, कहे कि हम बनवा देंगे हैंडओवर, ये चाबी सर के लिए है। आधा अधूरा बहुत दिन से है, सुनने में आया कि हेडमास्टर सर कुछ पैसा लेके हैंडओवर कर लिए। हैंडओवर कौन किया इनको? इनको हैंडओवर दिनेश सर किए होंगे, वो तो हेडमास्टर सर बताएंगे ना कि कौन हैंडओवर किया। हम लोग वही चीज की जानकारी लेने आए थे स्कूल में। स्कूल में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए किचन की भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे में बरामदे में मिड डे मील बनाया जाता है। उपलब्ध कराए तो बोलते ही तब सर जनता थी जिता है ना, कोई बरस से बार बार तो पहले नहीं आज बनी कल बनी नए सर के थी का तो है तो का तो तो देना बनाएंगे बनाएंगे तो कहाँ बनवाऊंगा। 2013-14 में भवन बनाने की स्वीकृति मिली थी, उसी साल भवन निर्माण की पूरी राशि निकाल ली गई। इस भवन के निर्माण का ठेका स्कूल के ही पारा शिक्षक विनय कुमार तिवारी ने लिया था, लेकिन करीब 10 साल होने को है, लेकिन अब तक भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। वही कुराइन पत्रा की मुखिया पूनम देवी के पति वीरेंद्र राम ने अधूरे भवन को हैंडओवर करा दिया। हमारे विद्यालय के पारा टीचर हैं श्री विनय कुमार तिवारी जी, वो बना रहे हैं, तो शायद कोई अभी विवाद उसमें है, इसलिए जो है अभी काम पूरा नहीं हुआ है। उनको कहा जा रहा है कि यथाशीघ्र किचन सेट पूरा करें। मुखिया पति ने हैंडओवर कराने के दौरान अधूरे भवन को पूरा कराने का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 10 साल में भी भवन निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या इस भवन निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार का खेल हुआ है? न्यूज़ीलैंड भारत के लिए पलामू से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।